assalamu Alaikum beautiful students. Hope everybody will be fine. Today in this video, we will solve 2021 Polytechnic Intense Test Paper of Manu University with explanation and students. I have discussed previous 12 years polytechnic intense test paper in previous videos, which links given in the description. So let's solve the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है अगर टेन ए इक्वल टू फोर बाय थ्री है तब कौशिक एक्वल टू क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री है तो आप ट्रेंगल से बना सकते हैं टेन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो पर्पेंडिकुलर हो गया फोर बेस हो गया थ्री तो आप ट्रिपलेट जानते होंगे थ्री फोर फाइव का एक ट्रिपलेट होता है तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो ये फाइव हो जाएगा ट्रिपले टूल से तो हमें यहाँ पे कौशिक ए फाइंड करना है तो तो कौशे क्या होता है साइन का सिप्रोकल तो क्या हो जाएगा एच बाई पी यानी फाइव बाई फोर तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा आप चाहे तो इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं टिक्नोमेट्रिक फार्मूले से मगर ये ईजी मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन साइन सिक्सटी डिग्री इंटू कॉस थर्टी डिग्री प्लस साइन थर्टी डिग्री इंटू कॉस सिक्सटी डिग्री इसका वैल्यू पूछा है तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है तो ए के जगह पे क्या है सिक्सटी डिग्री बी के जगह क्या है थर्टी डिग्री तो ए प्लस बी यानी सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी डिग्री होगा साइन नाइन्टी का वैल्यू वन तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा अगर आपको इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा नेक्स्ट जीरो पॉइंट वन जीरो फोर इक्वल टू क्या होगा तो ये पॉइंट है इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप देख सकते हैं वन ज़ीरो फोर किसका फैक्टर है थर्टीन का फैक्टर तो ऊपर क्या आएगा थर्टीन का फैक्टर तो ये हो सकता है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी सिक्स और फोर हंड्रेड फोर का एलसीएम है तो नाइनटी सिक्स एंड फोर हंड्रेड फोर का हमें एलसीएम लेना है तो आप देख लीजिए इसका कॉमन मल्टीपल क्या है टू इसका क्या है कॉमन मल्टीपल फोर भी कॉमन मल्टीपल है क्योंकि फोर से ये दोनों डिविजिबल है उसके अलावा कोई इसका मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फोर आया तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे इसके प्रोडक्ट को फोर से डिवाइड देंगे इसका प्रोडक्ट क्या आएगा फोर हंड्रेड फोर इंटू नाइन्टी सिक्स बाई फोर इसको फोर से डिवाइड देंगे तो आएगा वन हंड्रेड वन इंटू नाइन्टी सिक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नाइन सिक्स नाइन सिक्स यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं मगर ये इजी मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एच सी एफ ऑफ थ्री हंड्रेड सिक्स एंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सेवन इक्वल टू नाइन है तब एल सी एम ऑफ डीज टू नंबर क्या है यहाँ पे एच सी एफ़ टू नंबर का गिवेन है तो हमें एल सी एम निकालना है यही दो नंबर का तो आप जानते होंगे फार्मूला एल सी एम इंटू एच सी एफ़ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर थ्री हंड्रेड सिक्स इंटू सिक्स फिफ्टी सेवन एच सी एफ़ यहाँ पर नाइन गिवेन है तो एल सी एम आ जाएगा नाइन से डिवाइड दे देंगे तो नाइन से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करें सेवन फोर जा ट्वेंटी एट यानी लास्ट में एट आएगा इसी दो ऑप्शन में से हो सकता है कोई ये ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉशेक्स सिक्सटी डिग्री का वैल्यू तो आप जानते होंगे कॉशेक्स सिक्सटी डिग्री का वैल्यू तो वैल्य। क्या होता है साइन सिक्सटी डिग्री का रेसीप्रो कर साइंस सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री बाई टू तो ये क्या हो जाएगा टू बाई रूट थ्री ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर साइन टू इक्वल टू टू, टू साइन ए हो तब ए का वैल्यू क्या होगा तो आप फॉर्मूला जानते होंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या गिवन है टू साइन ए तो यहाँ पे टू साइन ए टू साइन ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा कॉस एक्वल टू वन तो कॉस का वैल्यू वन कब होता है कितने डिग्री पे ज़ीरो डिग्री पे तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा ज़ीरो डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन टू टेन थर्टी डिग्री बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री इसका वैल्यू पूछा है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू पुट करके इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा थीटा यहाँ पे क्या थर्टी डिग्री तो टू थीटा कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री यहाँ पे देखिए ऑप्शन टेन सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है तब एफ़ जीरो माइनस एफ़ वन बाई जी जीरो माइनस जी वन इसका वैल्यू फाइंड करना तो ये फंक्शन का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे एफ़ ज़ीरो निकालना है तो एक्स जगह पर जीरो पुट करेंगे तो एफ़ जीरो क्या आ जाएगा टू इंटू जीरो माइनस वन यानी एफ जीरो माइनस वन आएगा यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वन ये माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे एफ़ वन निकालना है तो एक्स जीरो पर वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन टू माइनस वन वन आ जाएगा फिर जी जीरो निकालना है तो जी फंक्शन में पुट करेंगे एक्स जीरो पे ज़ीरो तो क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस जी वन निकालेंगे जहाँ पे एक्स से वहाँ पे वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस टू बाई ये माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल टू आ जाएगा तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी है तब मैट्रिक्स ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो ये क्लास ट्वेल्थ का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करना है ए स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए अब यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे कितना है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी फिर इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का रूल अलग है यहाँ पे टू रो है टू कॉलम है तो ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन करने में क्या करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो फर्स्ट रो में क्या है ए इंटू बी इसको ए इंटू बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी क्यूब फिर बी स्क्वायर को माइनस ए बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी क्यूब फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर को ए बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए क्यूब बी फिर माइनस ए बी को माइनस ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी आ जाएगा फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी को माइनस ए बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये जीरो आ जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब ये भी जीरो आ जाएगा माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी ये भी ज़ीरो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी जीरो आ जाएगा तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा जीरो 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 तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट देखना है तो मेरे प्ले में जाइए वहाँ पर आपको मैट्रिक्स का डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा और ट्रिक भी मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिमिट का क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स माइनस थ्री इसका वैल्यू फाइंड करना है तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा फैक्टर करना होगा अगर फैक्टर नहीं होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे गिवन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका तो फैक्टर हो जाएगा इजीली एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को क्या लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इसको फार्मूले से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री नीचे क्या है एक्स माइनस थ्री एक्स टेंस टू फोर लिमिट गिवेन है तो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा अब ये जो आएगा इसमें क्या करेंगे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स कितना है फोर प्लस थ्री ये कितना आ जाएगा सेवन तो पहले आपको फैक्टर करना है उसके बाद कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद जो आएगा उसमें वैल्यू पुट करके आपका आंसर आएगा अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं हो तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई जेड की क़दर मालूम कीजिए अगर मैट्रिक्स एक्स प्लस थ्री टू वाई प्लस एक्स जेड माइनस वन जीरो इक्वल टू मैट्रिक्स ज़ीरो माइनस सेवन थ्री ज़ीरो है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है दो मैट्रिक्स इक्वल में गिवेन है तो क्या करेंगे कभी भी मैट्रिक्स गिवेन हो तो उसको इक्वल हम एक ही कंडीशन में कर सकते हैं जब इसका ऑर्डर सेम हो यानी दो रो हो दो कॉलम हो यहाँ भी दो रो है दो कॉलम है तो इसमें क्या कर सकते हैं कोस्पोंडिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू तो क्या करेंगे x प्लस थ्री को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस थ्री जेड माइनस वन को थ्री से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा z इक्वल टू फोर आ जाएगा आप देख लीजिए ऑप्शन में x माइनस थ्री जेड फोर एक ही ऑप्शन है ये y भी निकालना है तो इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव डैस के लिए अगली दो टर्म्स होगी तो ये सीरीज गिवेन है इसमें नेक्स्ट टू टर्म्स पूछा क्या होगा तो यहाँ देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है माइनस टू का डिफरेंस है यहाँ भी माइनस टू का डिफरेंस है यहाँ भी माइनस टू का तो नेक्स्ट कौन सा आएगा माइनस सेवन नेक्स्ट कौन सा आएगा माइनस नाइन तो इसका नेक्स्ट टू टर्म्स जो आएगा माइनस सेवन माइनस नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बी सबसेट ऑफ ए है तब यूनियन बी क्या होगा तो यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर कंटेंट इन ए जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं सब ए में मिलेंगे तो यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन बी तो आप यूनियन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे सीरियल वाइज तो क्या होगा यहाँ पे ए के अंदर बी के एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन रहता ऑप्शन तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा अगर ए इंटरसेक्शन बी रहता तो यहाँ पे ऑप्शन बी होता क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं कॉमन वाला लेते हैं इसमें क्या लेते हैं जो कॉमन है उसको भी लेते हैं जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं सीरियल वाइज तो क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्ट नाइन्टी डिग्री माइनस ए जानते होंगे कौसे के होता है ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन टेन फोर्टी एट डिग्री इंटू टेन ट्वेंटी थ्री डिग्री इंटू टेन फोर्टी टू डिग्री इंटू टेन सिक्सटी सेवन डिग्री इस कभी भी टेन प्रोडक्ट में हो तो आप इसका पेयर बनाएंगे नाइन्टी डिग्री का तो इसके साथ पेयर बनाएंगे तो ये नाइन्टी डिग्री हो जाएगा इसके साथ पेयर बनाएंगे तो ये नाइन्टी डिग्री हो जाएगा इसकी वैल्यू वन होगी इसकी वैल्यू वन ये प्रोडक्ट में है तो वन इंटू वन वन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन सी फाइव ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है क्लास एलेवेंथ का अगर इसका आपको डिटेल कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप वीडियो के प्ले में जाइए वहाँ आपको मिल जाएगा तो इसका पहले फार्मूला होता है एन का एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल ये फार्मूला होता है एन के जरिए क्या है सेवन आर के जरिए क्या है फाइव इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन को दूसरा फार्मूला एन सी एन माइनस आर यानी यहाँ पे एन के जब क्या है तो फिर क्या हो जाएगा सेवन माइनस फाइव यानी टू सेवन सी टू भी लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे अगर इसको आप फार्मूले से करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसको डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से आपको यहाँ पे देखना है बेस में यहाँ पे क्या है टू तो सेवन का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में टू फैक्टर तो सेवन इंटू सिक्स दो टर्म तक करेंगे क्योंकि नीचे दो था फिर टू का फैक्टोरियल लेंगे टू इन टू वन टू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा टू थ्री हजार सिक्स सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन तो ऑप्शन क्या आएगा ट्वेंटी वन यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा अगर आप फार्मूले से करें तो क्या करेंगे एन फैक्टोरियल यानी सेवन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर यानि सेवन माइनस टू फाइव फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी टू फैक्टोरियल अब यहाँ पे आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा अगर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देखना है तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा वहाँ जा देख सकते हैं तो फैक्टोरियल आप जानते होंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सेवन को अगर हम सेवन का फैक्टोरियल लिखें तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टेल्व क्योंकि यहाँ फाइव फेक्टेल्व था तो इसे कैंसिल हो जाएगा टू फैक्टेल्व कैसे लिखेंगे टू इंटू वन तो फ़ाइव फैक्टेल्व फाइव फैक्टेल्व कैंसिल टू से सिक्स कैंसिल थ्री टाइम्स तो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन तो आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं दोनों मेथड से आपका आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस फोर्टी एट डिग्री माइनस साइन फोर्टी टू डिग्री तो आप कॉस को चेंज करें यूज करेंगे साइन में तो क्या आ जाएगा साइन फोर्टी टू डिग्री फोर्टी एट डिग्री को आप लिख सकते हैं नाइन्टी डिग्री माइनस फोर्टी टू डिग्री तो कॉस नाइन्टी माइनस फोर्टी टू डिग्री क्या होगा साइन फोर्टी टू माइनस साइन फोर्टी टू क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को एक्स प्लस टू से तकसीम करते हैं तब हासिल होता है यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं या वैल्यू फुटिंग से कर सकते हैं हमें एक्स प्लस टू से डिवाइड देना है तो इसको क्या मान लेंगे ज़ीरो एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू अब एक्स के जगह पर माइनस टू पुट करेंगे इस फंक्शन में तो क्या आ जाएगा टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर इंटू टू एट टू इन थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस वन एट माइनस सिक्स टू प्लस वन थ्री आएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर की एक्स माइनस वन पर कद्र होगी तो हमें एक्स इक्वल टू माइनस वन पर इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे इसका वैल्यू आएगा तो एक्स स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री माइनस फोर फोर माइनस फोर ज़ीरो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दो दर्जी कसर रुकनी क्वाड्रेटिक पोनोमियल जिसके सिफर का हासिल जमा और हासिल जर्ब बिल तरतीब थ्री और टू है तो क्वाड्रेटिक पोनोमियल क्या होगा वो बताना दो दर्जी कसी रुकनी कहते हैं क्वाडेटिक पोनोमियल को सिफर का हासिल जमा यानी सम ऑफ जीरोस हासिल जरब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो सम ऑफ़ ज़ीरोज़ थ्री है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टू है तो आप जानते होंगे जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवेन हो तो क्वाडेटिक पोनोमियल कैसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ सम कितना है थ्री इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है टू तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगा मगर यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ये ऑप्शन शायद यहाँ पे मिसिंग है ये करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर टेन ए इक्वल टू कोट बी है तब अगर टेन ए इक्वल टू कोर्ट बी है तब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा तो आपको याद अगर टेन इक्वल टू कोट बी है तब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा कभी भी टेन इक्वल टू कोट दिया हो तो आप क्या करेंगे एंगल का सम नाइन्टी डिग्री लेंगे तो नाइन्टी डिग्री आएगा ए प्लस बी या पैसे भी निकाल सकते हैं टेन को लिख सकते हैं कॉट नाइन्टी माइनस ए कॉर्ट कोट कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी क्या आएगा नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन इसका वैल्यू पूछा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें सेक ए माइनस सेक ए को साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू सेक ए फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए साइन ए इंटू सेक ए इसको क्या लिख सकते हैं टेन ए क्योंकि सेक क्या होता है वन बाई कॉज तो साइन बाई कॉज क्या होगा टेन तो सेक ए माइनस टेन ए मल्टीप्लिकेशन में क्या है फिर इसको लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए तो ए माइनस बी ए प्लस बी पे है तो क्या हो जाएगा सेक इस्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है। इसका फार्मूला होता है वन तो ये वन के इक्वल आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे नाइन का मल्टीपल है तो नाइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा से के स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इसका वैल्यू वन इंटू नाइन नाइन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो बराबर रूट्स होंगे अगर तो आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का इक्वल रूट्स कब आएगा जब डिस्क्रिमिनेट बी एस्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या हो ज़ीरो के हो तो ये ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन और एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर को एक्स वाई के लिए हल कीजिए यानी हमें इसका सोल्यूशन निकालना है एक्स वाई के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा फ़ोर प्लस फोर्टीन तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा नाइन तो वाई को टू कितना आ जाएगा पे पुट करेंगे नाइन नाइन को इधर लाएंगे फोर्टीन माइनस नाइन वाई कितना आ जाएगा फाइव तो एक्स आएगा नाइन वाई आएगा फाइव ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू ए पी के लिए पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी मालूम कीजिए ए पी गिवेन है इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए इक्वल टू थ्री बाई टू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है हाफ माइनस थ्री बाई टू ये कितना आ जाएगा माइनस टू बाई टू माइनस वन यानी ए आएगा थ्री बाई टू डी आएगा माइनस वन ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पी एक्स वाई की मरक़ ओरिजिन से दूरी है तो ये पॉइंट पी एक्स वाई का हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से तो आप जानते होंगे ओरिजिन पॉइंट क्या होता है जीरो ज़ीरो इस पॉइंट से कोई पॉइंट कोई पॉइंट एक्स वाई है इसका हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा वाई ये क्या होगा एक्स तो डिस्टेंस ये क्या आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका वैल्यू पूछा है तो आप क्या करें कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में तो आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस वन बाई टेन स्क्वायर ए इसका एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर प्लस वन टेन स्क्वायर प्लस वन इसे कट जाएगा ये टेन स्क्वायर ऊपर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन टू फोर माइनस टू फाइव थ्री माइनस वन सिक्स थ्री है तब ए टी का वैल्यू निकालें ए टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझे ये क्या है थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है यानी तीन रो है आर वन आर टू आर थ्री तीन कॉलम हैं C1, C2 सी टू एंड सी तो ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जो रो है उसको कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे तो R1 C1 में ट्रांसफ़र होगा R2 C2 में ट्रांसफर होगा R3 C3 में ट्रांसफर होगा तो रो फर्स्ट को कॉलम वन में लिखेंगे तो रो फर्स्ट क्या है वन टू फोर तो कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में वन टू फोर फिर रो सेकेंड क्या है माइनस टू फाइव थ्री तो इसको कॉलम सेकेंड में लिखेंगे माइनस टू फाइव थ्री फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से रिप्लेस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस वन सिक्स थ्री तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा होगा वन टू फोर माइनस टू फाइव थ्री माइनस वन सिक्स थ्री तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट जानना है और शॉर्ट ट्रिक जानना है तो आप प्ले में जा देख सकते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवेन है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू है तब एफ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा तो ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जैसा तो क्या करेंगे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू इंटू माइनस वन टू फिर क्या है माइनस टू तो कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू वन आएगा ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू 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 एक्स क्यू माइनस फाइव बाई थ्री एक्स प्लस टू तो एक लिमिट का क्वेश्चन पीछे भी था यहाँ भी है तो यहाँ पे आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं होगा तो आप क्या डायरेक्ट एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू टू का क्यूब एट इंटू टू सिक्सटीन माइनस फाइव बाई थ्री इं टू सिक्स प्लस टू एट सिक्सटीन माइनस फाइव एलेवन बाई एट तो एलेवन बाई एट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन टू माइनस टू थ्री और मैट्रिक्स बी इक्वल टू टू वन टू थ्री हो तब ए बी क्या होगा तो यहाँ मैट्रिक्स ए एंड मेट्रिक्स बी का मल्टीप्लीकेशन हमें फ़ाइन करना है प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स तो यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी तो मैट्रिक्स ए कितना है वन टू माइनस टू थ्री मैट्रिक्स बी कितना है टू वन टू थ्री तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो वन इंटू टू टू प्लस टू इंटू टू फोर फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे वन इंटू वन वन टू इंटू थ्री सिक्स फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस टू इंटू टू माइनस फोर थ्री इंटू टू सिक्स फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे माइनस टू इंटू वन माइनस टू प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा सेवन टू सेवन तो सिक्स सेवन टू सेवन ये मैट्रिक्स आएगा ए बी तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ने इसका वैल्यू पूछा तो ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जैसा वो वहाँ पर क्या था सेक ए का मल्टीपल था तो यहाँ पे सेक ए से बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इक्वल टू इसमें भी सेक ए का मल्टीप्लाई होगा पीछे हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इसका वैल्यू कितना आया था वन तो ये जो इक्वल में आएगा कितना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फिफ्टीन इंटू कॉटे इक्वल टू एट है तब साइन ए का वैल्यू क्या होगा तो ये पहले क्वेश्चन जैसा है तो इसको लिख सकते हैं कॉटे इक्वल टू एट बाई फिफ्टीन तो आप जानते होंगे इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी अगर इसको हम बी मानते हैं इसको पी मानते हैं तो आप ट्रिपलेट से जानते होंगे एट फिफ्टीन सेवनटीन का एक ट्रिपलेट होता है इसको हम एंगल ए ले लेते हैं तो यहाँ पे साइन ए पूछा है तो क्या हो जाएगा पी बाई एच यानी फिफ्टीन बाई सेवेंटीन ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कसीर रुकनी के सिफर मालूम कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट कसी रुकनी कहते हैं पोलिनोमियल को तो इसके ज़ीरोज हमें फाइंड करने हैं। इसको अगर आप सॉल्व करें मिडिल टर्म से तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स माइनस फोर यहाँ से टू कॉमन लेंगे एक्स माइनस फोर बचेगा तो इसका फैक्टर एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू आएगा तो इस फिर तो इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे फोर माइनस टू तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर है तब एफ ओ जी एक्स क्या है तो ये क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो फॉक का मतलब समझिए एफ़ फंक्शन के अंदर जी एक्स का फंक्शन है तो जहाँ पे एफ़ का फंक्शन होगा वहाँ पे हम जी एक्स का फ़ंक्शन पुट करेंगे तो यही होता है क्या एफ़ ओ जी एक्स जहाँ पे एफ़ का फंक्शन होगा उसके एक्स में जी एक्स का फ़ंक्शन पुट करेंगे तो एफ़ का फंक्शन कहाँ है यहाँ इसके एक्स में जी एक्स का फंक्शन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वन बाई एट फैक्टोरियल प्लस वन बाय नाइन फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स बाई टेन फैक्टोरियल है तब एक्स का वैल्यू क्या होगा तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा मिनिमम फैक्टोरियल क्या है तो मिनिमम फैक्टोरियल जो होगा उसी के हिसाब से इसका फैक्टर करेंगे तो मिनिमम फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे एट है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस अब नाइन को एट फैक्टोरियल तक ला कर छोड़ देंगे तो फैक्ट्रेल्व जानते हैं कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नाइन इंटू एट फैक्ट्रेल्व हो जाएगा यहीं तक छोड़ेंगे इक्वल टू एक्स बाई टेन फेक्टोल्व को एट फैक्ट्रेल्व तक लिखेंगे टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्ट्रियल एट फैक्ट्रेल क्या होगा कॉमन हो के इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वन प्लस वन बाई नाइन इक्वल टू एक्स बाई नाइन इंटू टेन नाइन्टी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन बाई नाइन इक्वल टू एक्स बाई नाइन्टी नाइन से कैंसिल होगा टेन बार में टेन इंटू टेन कितना आ जाएगा हंड्रेड तो एक्स का वैल्यू हंड्रेड आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रमोटेशन का क्वेश्चन है अगर एन ग्रेटर देन फोर हो एन पी फोर बाई एन माइनस वन पी फोर इक्वल टू फाइव बाई थ्री है तब एन का वैल्यू क्या होगा पहले प्रमोटेशन का कॉन्सेप्ट समझिए अगर एन पी आर हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल अगर इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जानना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ आपको प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा विथ शॉर्ट ट्रिक तो यहाँ पे एन है आर के जगह क्या है पी है तो इसको लिखेंगे एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल भाई एन माइनस वन फैक्टोरियल फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे एन माइनस वन माइनस फोर यानी एन माइनस फाइव फैक्टोरियल इक्वल टू क्या गिवन है फाइव बाई थ्री इसको क्या करेंगे ऊपर लाएंगे एन फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे भाई एन माइनस फाइव एन माइनस फोर फैक्टोरियल इन ये ऊपर आएगा एन माइनस फाइव फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू इक्वल टू फाइव बाई थ्री है तो फैक्टोरियल सॉल्व करने में आपको क्या देखना है मिनिमम तो एन माइनस वन क्या है छोटा है तो इसको ऐसे ही देने देंगे बड़े वाले को सॉल्व करेंगे कहाँ तक एन माइनस वन तक तो एन इन एन माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे अब ये दोनों को देख सकते हैं एन माइनस फाइव क्या है स्मॉलर है इससे तो एन माइनस फाइव को ऐसे रहने देंगे एन माइनस फोर को एन माइनस फाइव तक लिखेंगे तो एन माइनस फोर इन उससे कम क्या होगा एन माइनस फाइव फैक्टोरियल इन एन माइनस फाइव फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल तो एन माइनस फाइव से एन माइनस फाइव कैंसिल एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल क्या बचा एन बाई एन माइनस फोर इक्वल क्या है फाइव बाई थ्री तो हमें वैल्यू निकालना है एन बाई एन माइनस फोर इक्वल टू फाइव बाई थ्री तो एन का वैल्यू जो होगा फ़ाइव के मल्टीपल में होगा तो आप देख लीजिए ऑप्शन में फाइव का मल्टीपल एट है ये नहीं होगा टेन है ये हो सकता है आंसर इसको आप सॉल्व करेंगे क्रॉस करके तो एन का वैल्यू टेन आएगा सो स्टूडेंट्स आई होप इट विल बी हेल्प यू इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर थैंक्स फॉर वॉचिंग